शराब नीति में हुए घोटाले को लेकर तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि राहुल दवेनी कोर्ट ने अब उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 17 अप्रैल तक कर दी है। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ये सब बीजेपी का करा धरा मान रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। देखिए, आज यहाँ पर दिल्ली के लोग पहुँचे हैं। हम लोगों को आना था, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, दिल्ली के लोगों को रोका जा रहा है। लोग मनीष सिसोदिया से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों के, गरीबों के बच्चे को एक भविष्य देने का काम किया है, उनको एक भविष्य देने का काम किया है। आज इस देश के प्रधानमंत्री जी बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं, उन्हें शिक्षा देने वालों से बहुत डर लगता है, वो शिक्षा को रोकना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो अपने हक और अधिकारों को मांगेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो शिक्षा में काम करते हैं, जो हेल्थ पे काम करते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, लेकिन जो देश के LIC का लाखों करोड़ रुपए लूट के भाग जाते हैं, जो देश का पैसा लूट के भाग जाते हैं, जिस अडानी ने इस देश के LIC को लूटा, SBI बैंक को लूटा, एयरपोर्ट को लूटा, पोर्ट को लूटा, देश के गरीब आदमी की जेब को लूटा, सब कुछ लूटा, उसके साथ प्रधानमंत्री जी बैठ के आज एरोप्लेन में घूमते हैं, उनके प्राइवेट जेट में घूमते हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह बोले भाई हैं, इसलिए वो उनके साथ दोस्ती रखते हैं।